भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में व गांव में काम करने वाले मजदूरों के लिए नरेगा योजना की शुरुआत की थी। इसमें 100 दिन का रोजगार मजदूर करने वाले लोगों को मिलता है। लेकिन हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के दिलोड़ा गांव में पिछले 3 महीने से मजदूरों कारीगरों का नरेगा पेमेंट नहीं हुआ है, जो कि 3.5 लाख से ज्यादा है। हमारे फरवरी महीने से ही पेमेंट बाकी है। प्रधानमंत्री ने शौचालय निर्माण चलाया, शौचालय निर्माण करवाया भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सीमेंट का भी पैसा देना पड़ता है, मजदूर का भी देना पड़ता है, कारीगर का भी देना पड़ता है, तो पेमेंट हमारा आ रही नहीं है। नरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें 100 दिन का रोजगार मजदूर करने वालों को मिलता है, जिसमें मिलने वाली राशि से मजदूर अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर काम करने वाले 90 मजदूरों का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, जिसके लिए मजदूर इंतजार करके बैठे हैं कि उनका भुगतान कब होगा। और इधर से कह रहे हैं कि अगर तुमने शौचालय नहीं बनाया तो तुम्हारे गेहूँ बंद हो जाएंगे, लाइटें बंद हो जाएगी, तो फिर हमारे को ये भी डर है। और इधर पेमेंट नहीं आ रहा, अब खाए क्या, खाने पीने का नहीं ला सक रहे। सब जो चाहिए गेहूँ चाहिए, गेहूँ पीसे के पूरा आटे का पैसा भी चाहिए, मिर्च का पैसा भी चाहिए, नमक का चाहिए, सब्जी भी चाहिए। अभी आप किस नरेगा में जहाँ पे आप ये काम कर रहे हो, किस किस तरह के काम कर रहे हो अभी आप? अभी ये पक्का काम चल रहा है नरेगा में, अभी एक ही चल रहा है नहर का, हमारा सीधे का काम चल रहा है ताकि गांव को पानी मिले। कितने मजदूर काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर? अभी आज तो 6 मजदूर ही है, बाकी 20 मजदूर का मस्त हो। पैसे बराबर नहीं आ रहे तो लेबर आती नहीं है। अब बाजार में 200 रुपये देते हैं, अब यहाँ 150 या 160 जो भी आते हैं, मगर पैसे बराबर नहीं आते, लेबर नहीं आती है। तो पेमेंट के लिए आप नरेगा पंचायत में गए, तो पंचायत से क्या कहा? सरपंच साहब ने बोला था कि भाई हम सचिव साहब को कहेंगे, दोनों ने मिले साथ में, दोनों ने फ़ोन किया था, तो आगे बोलेगा आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है। तो अब कुछ हो जाए तो अच्छा है, इसमें नियम है केंद्र सरकार का, 15 दिन पैसे आ जाता है। शंभुराज तंवर दिलोड़ा से, इंडिया अनर्ट के लिए।